पाजी एक बार इस पे नजर डालते हैं, मार्को यानसन बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन इसके बाद कोई बल्लेबाज वैसा नहीं है। अरे भैया यानसन तक पहुंचो तो सही, रन रह गए हैं 25, विकेट की दरकार है। वो भगवान नहीं है जो बुमराह नामक आप मैजिक वॉन्ड लेके घूम रहे हो, क्योंकि इस वक्त अगर रन रेट देखें कि कितने बॉलों में कितने रन है, तो वो बिल्कुल नीचे लाके खड़ा कर दिया है उसने। 26 रन 24 गेंदे, हार्दिक पांड्या 17वां ओवर, पहली गेंद पर विकेट। दक्षिण अफ्रीका बार बार दहलीज पे आके इस प्रेशर के दबाव में लड़खड़ाई है और हार्दिक पांड्या के 17वें ओवर की पहली गेंद पे क्लासन की विकेट ने फिर उम्मीद जगाई है। यहां से जीत सकता है भारत, विकेट निकाली हार्दिक पांड्या ने, बहुत बड़ी विकेट क्लासन की, स्लो वन। विराट कोहली के इमोशन, भारतीय टीम के इमोशंस, वहां पे आपको रॉ इमोशन दिखेंगे फैंस के भी बने। बुमराह के आने का जो खतरा है वो अंदेशा के बाकियों पे ज्यादा चांसेस लेंगे हार्दिक पांड्या। ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर में विकेट आई और कोई बाउंड्री नहीं। इस विश्व कप में जसप्रीत बुमराह की आखिरी 6 गेंदे, पहली गेंद छकाया मिलर को, 5 और अवसर, 5 और मौके भारत के पास इस कहानी में ट्विस्ट पुख्ता करने के लिए। मिड ऑफ अंदर है, यानी कि छोटा गेंद भी हो सकता है और यॉर्कर का प्रयास भी। जी क्लीन बॉल, यही तो बात थी, बुमराह का हाथ से, बुमराह के हाथ में गेंद और विकेट ना आई है, ऐसे हो ही नहीं सकता। छा गया बुमराह, बुमराह को कब लाए, जब भी लाइए वो विकेट तो पक्का पाइए। जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में डिफेंस करके बल्लेबाजों को बोल्ड करता है, डिफेंस करके। बहुत बड़ा गैप और बुमराह के लिए गैप काफी है। जसप्रीत बूम बूम बुमराह। 19वां ओवर, अर्शदीप सिंह स्ट्राइक पे महाराज, स्लो बॉल डॉट बॉल। कितने की खिलाड़ी है जिसे संभालना है, वो है डेविड मिलर। ऊपर वाली लेंथ अर्शदीप की, दो डॉट गेंदे। ये दबाव महसूस करा रही है भारत की गेंदबाजी साउथ अफ्रीका को। दो डॉट गेंदों के साथ ओवर की शुरुआत, थोड़ी सी उंगलियां फेरी है पीछे फील्डर, वन बाउंस, डेविड मिलर अप स्ट्राइक पे। अर्शदीप चौथी गेंद, 19वां ओवर, शार्प गेंद, एंगल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। डेविड मिलर दूसरे रन के लिए आएंगे, केशव महाराज साथ पूरा देंगे। यादगार विश्व कप अर्शदीप का बम्प बॉल। चैंपियनशिप फाइनल का आखिरी ओवर, एक आखिरी मौका, हार्दिक पांड्या लॉन्ग ऑफ। सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच, एक लो फुल टॉस, डेविड मिलर का विकेट, हार्दिक पांड्या। जरूर अंपायर चेक करना चाहेंगे लेकिन आंखों के ठीक नीचे ये मामला साफ दिखा, ये उम्मीदें बरकरार दिखी, ये फाइनल गिरफ्त में दिखा। That's good there. Did you have any other angle from just behind, please? Thank you. ये कैच नहीं, ये मैच नहीं, ये ट्रॉफी हो सकती है। सूर्य को नमस्कार है, ये कैच चमत्कार है। हार्दिक पांड्या। और ये फिर एक और विकेट हो सकता था। भरसक प्रयास, लेकिन विफल। और आज भारत जीत की कगार पे खड़ा है, करोड़ों हिंदुस्तानी दिल थाम के बैठे हैं उस जीत का इंतजार करते हुए हुए, और मुझे लगता है कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। 4 गेंद में 12 रन क्या बनेंगे हार्दिक पांड्या के ऊपर, पूरा दारोमदार। ये पल का सुधार सदियों याद रहेगा, क्योंकि भारत को जीत की तरफ अग्रसर है। और दोनों टीमें अपराजित हैं अभी तक। बहुत ही बढ़िया बॉल, ग्रेट डिलीवरी, प्रेशर को पूरी तरह से स्पॉन्ज की तरह सोक करते हुए हार्दिक पांड्या, कमित यार, कमित मैन। कीचड़ में रह के भी कमल की तरह खेलना सीखो, जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष नहीं है। उस गाने को गाने के लिए सारे जहां से
दुनिया ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए, दीवानगी की हद तक खुशी है भैया। झंडे दिए गाड़, खंबे दिए उखाड़, और भारत ने विश्व कप जेब में डाल लिया है। गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा, कीर्ति रहे युगों से कहीं बेहतर है। 11 साल का इंतजार, आज वो इंतजार खत्म हुआ। हर सर गर्व से उठेगा, हर चेहरा चांद की तरह चमकेगा। और मैं ये मानता हूं कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं। सूर्य कुमार यादव, आज के दिन उस पल तेरा कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। सभी भारतीयों की बेसब्री खत्म, वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो सूखा था वो खत्म, अब कहानी शुरू। विश्व चैंपियन भारतीय टीम की विश्व चैंपियन की तरह खेले, एक ही मैच नहीं हारे इस विश्व कप में। भारत ने ये मुकाबला जीता, भारत ने ये विश्व कप जीता। जिसे कहते हैं खुशी का इजहार करते हुए, भारत माता झंडा ऊंचा रहे हमारा।